दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक प्रॉब्लम आ रही है डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर और उसमें विंडोज 7 इंस्टॉल है। वो प्रॉब्लम मैं आपको जल्द ही जल्द दिखाने वाला हूं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और क्या प्रॉब्लम हो रही होती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस तरह की टेक्निकल वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो जरूर से जरूर कंप्यूटेक्स लैब यूट्यूब टेक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियो, ट्रबल शूटिंग टिप्स, ट्रिक्स और ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखते हैं तो जरूर हमारे कंप्यूटेक्स लैब यूट्यूब टेक चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। देखिए, ये जो है स्टार्टअप रिपेयर में फंसी हुई है और बार बार जो है ये स्टार्टअप रिपेयर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है। स्टार्टअप रिपेयर कुड नॉट डिटेक्ट अ प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कहां से कैसे आ रही है, तो सबसे पहले हम लोग इसे फिनिश करके आपको दिखाना चाहेंगे कि फिनिश यहाँ पर एक्चुअली खुद से मैं कैमरा पकड़े हुआ हूँ, रिकॉर्ड भी खुद कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत सेकिंग हो सकती है रिकॉर्डिंग के दौरान। लेकिन देखिए, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हुई, एचपी की लोगो आई थी और स्टार्टिंग विंडोज के बाद अगर ये वाला जो लोगो है, विंडोज 7 वाला लोगो अगर आगे बढ़ जाती है, इट मीन्स कि आपकी हार्ड डिस्क प्रॉपर रूप से काम कर रही है। कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करप्ट हो गई है या फिर बायोस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम आप बार बार देखते होंगे, लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर एंड स्टार्ट विंडोज नॉर्मली। तो ये जो स्टार्ट विंडोज नॉर्मली, अगर हम लोग सबसे पहला जो अटेम्प्ट लेंगे वो ये है, स्टार्ट विंडोज नॉर्मली। मुझे पता है कि आजकल बहुत सारे लोग विंडोज 10 और विंडोज 11 पर स्विच कर गए हैं, लेकिन आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लो है और वो अपग्रेड नहीं कर सकते हैं या करवा नहीं पा रहे हैं ड्यू टू एनी फाइनेंशियल रीजन और कुछ भी हो सकती है। तो खैर एनीवे, और उनकी मजबूरी है विंडोज 7 यूज करना। किसी न किसी सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी और ड्राइवर कंपैटिबिलिटी को लेते हुए। तो यहां पर देखिए, स्टार्ट विंडोज नॉर्मली अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव के नब्ज को पकड़िए कि हार्ड ड्राइव में अगर आपको ये वाला जो लोगो है अगर आगे बढ़ जाती है, इट मीन्स कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही है, आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम नहीं है। दो जगह जो है यहाँ पर प्रॉब्लम सस्पिशन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और दूसरा बायोस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये बार बार जो ये ऑप्शन आ रही है, बार बार रीस्टार्ट हो रही है और विंडोज एरर रिकवरी में ये जो है मोड ऑन हो जा रही है, विंडोज एरर रिकवरी वाली। तो लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर, जैसा कि आप देखे थे कि ये भी जो है प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रही है और बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, रिपेयर हो रही है फिर भी वो जो है सही नहीं हो रही। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहला जो अटेम्प्ट लेंगे वो है कंप्यूटर के अंदर बायोस में जाना। यहाँ पर जो है देखिए, कंट्रोल अल्ट और डिलीट प्रेस करते हुए सिस्टम को हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट अगर हो जाती है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर रीस्टार्ट हो गई, इट मीन्स सिस्टम सही से रिस्पॉन्स कर रही है और हमारे पास एचपी की पीसी है, तो हम लोग F10 प्रेस करेंगे ताकि हम लोग जो है यहाँ चले आए। देखिए, ये जो प्रॉब्लम आई है एडिट बूट ऑप्शन, ये गलत है, ये एक बार हम लोग फिर से रिपेयर के लिए रीस्टार्ट के लिए रीस्टार्ट करेंगे कंट्रोल और डिलीट के माध्यम से और F10 प्रेस करते रहेंगे। F10 से हम लोग कंप्यूटर के बायोस में जाएंगे। यहाँ पर देखिए, एचपी की जो सिस्टम है उसमें अगर आप लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, अगर बायोस सेटअप में जाना चाहते हैं तो F10 आपको प्रेस करने होंगे ड्यूरिंग दी स्टार्टअप। F10 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, या फिर F2 बटन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, F2 बटन ताकि हम लोग बायोस में जाए, या फिर हम लोग डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग बायोस में जा सके। तो जैसा कि हमारे पास एचपी की यही सिस्टम जो है अभी लगी हुई है, यहाँ पर आप देखिए यही एचपी की सिस्टम है जिसे अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बायोस के अंदर क्या चेक हम लोग को करना चाहिए, जैसा कि विंडोज 7 की लोगो आ रही थी तो हम लोगों को चेक करना चाहिए कि स्टोरेज सिक्योरिटी स्टोरेज के अंदर हम लोग जाएंगे बूट ऑर्डर में। वैसे मुझे पता है यहाँ जो एचपी की बायोस है उसमें बूट ऑर्डर में यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लीगेसी बूट सोर्सेज में हार्ड ड्राइव जो है SATA 0 यहाँ पर डिटेक्ट हो रही है, यानी हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट हो रही है। वैसे भी विंडोज 7 की लोगो आ रही है तो हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है।
अब यहां पर देखिए स्टोरेज ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहां पर देखिए साटा एमुलेशन, यही एक ऑप्शन पे जो है सस्पिशन जाती है कि लोग जो है इसे चेंज कर देते हैं। एक्चुअली में यहां पर आईडीई ना होके AHCI में आपको चेंज करने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आप इंटर की अगर प्रेस करते हैं तो ये चेंज होगा, ठीक है। अगर इंटर की से नहीं हो रही है, इट मीन्स कि ये जो है आपको टैब के माध्यम से, ना ये देखिए एरो की के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए चेंज हो रही है। तो हम लोग जो है बायोस में सर्च करेंगे साटा एमुलेशन, वैसे डेल के कंप्यूटर में, लेनोवो के कंप्यूटर में, कहीं भी अगर AHCI और IDE हो तो आपको यहां पर AHCI ही सेट करने हैं। एडवांस होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। AHCI के ऊपर भी हमारी वीडियो बनी हुई है, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, या फिर मैं वीडियो में लगा दूंगा। अगर नहीं होगी तो इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना देंगे, लेकिन फिलहाल ये AHCI में अगर हम लोग सेट कर देंगे और F10 अगर हम प्रेस करेंगे, यहां पर देखिए F10, क्योंकि F10 से ये एक्सेप्ट हो जाएगी, सेटिंग सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर से दोबारा इंटर की प्रेस करेंगे ताकि हम लोग मेक्श्योर कर ले कि स्टोरेज ऑप्शन में है क्या। तो AHCI में यहां पर कॉन्फ़िगर हो गई है। F10 प्रेस करते हुए बाहर निकल जाएंगे, यानी सेव करते हुए एरो की के माध्यम से हम लोग फाइल मेनू में आएंगे, यहां फाइल मेनू में, ओके। और यहां पर एक ऑप्शन है सेव चेंजेस एंड एग्जिट। वैसे बायोस को सेव करने के लिए सेटिंग को अगर आप चेंज किए हैं तो F10 बटन के द्वारा भी आप सेव करते हुए बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। जो भी आप चेंजेस अप्लाई करते हैं उसे सेव करना जरूरी होता है, और बायोस की जितनी भी सारी सेटिंग्स है वो तभी सेव होगी जब आपके कंप्यूटर के अंदर जो सीमोस बैटरी होती है, अगर आप सीमोस बैटरी नहीं देखें तो यहां पर एक CPU खुली हुई है, ये सीमोस बैटरी जो है चार्ज होना बहुत जरूरी होता है, ये वाला जो आप सीमोस बैटरी यहां पर देख रहे होंगे, तो ये चार्ज होगा तभी बायोस के अंदर जो सेटिंग होगी वो सेव हो पाएगी। तो चलिए यहां पर चार्ज की है, तो सेव चेंजेस एंड एग्जिट पर क्लिक करते हुए यस पर जो है इंटर की प्रेस करेंगे, और यहां पर अब देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे HP की लोगो जो है वो आगे बढ़ गई है, और विंडोज नॉर्मली यहां पर इंटर की प्रेस करेंगे और यहां पर नोटिस करेंगे कि अब क्या हो रहा है। ये नॉर्मल सिम्टम्स है, यहां पर जो विंडोज 7 की लोगो आई है ये भी नॉर्मल है। चलिए हमारी जो हार्ड डिस्क है वो प्रॉपर रूप से परफॉर्म कर रही है, और इसके बाद अगर आगे बढ़ जाती है इट मीन्स आपकी हार्ड ड्राइव प्रॉपर रूप से काम कर रही है, बायोस की जो सेटिंग है वो भी प्रॉपर रूप से काम कर रही है। और अगर यहां पर फंसती है तो विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होती, लेकिन जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आगे बढ़ गई है, इट मीन्स कि हमारी जो सिस्टम है वो अब प्रॉपर रूप से सही हो गई है। प्रॉब्लम बायोस से थी और अब आप देख सकते हैं कि जो विंडोज 7 है वो प्रॉपर रूप से बूट कर गई है। तो है ना कमाल की वीडियो, कमाल की टिप्स और ट्रबल शूटिंग। तो जरूर से जरूर ध्यान रखें कि बायोस में एक ऑप्शन होती है IDE और AHCI के द्वारा, अगर वो ऑप्शन चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं करती है, ओके। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है कि बायोस से प्रॉब्लम थी, AHCI में जैसे ही सेट किए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरह की टिप्स ट्रिक्स और ट्रेनिंग ट्रबल शूटिंग वाली वीडियो देखने के लिए हमारे कंप्यूटिक्स लैब टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली ट्रबल शूटिंग वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।